सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस पे डेटा ट्रांसफ़र होना है तो ऐसा होने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता इस वायर्ड मीडिया, जिसके अंदर तीन केबल्स आते हैं, और दूसरा रास्ता इस वायरलेस मीडिया, जिसके अंदर क्या आता है वो मैं तब बताऊंगा जब वायरलेस मीडिया के ऊपर लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। आज हम वायर्ड मीडिया का अभ्यास करने वाले हैं। अब तुम्हें ये समझना है कि वायर्ड मीडिया को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। अब वायर्ड मीडिया के अंदर टोटल तीन केबल्स आते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब क्या होता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला केबल मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल। ये केबल चीप होता है एज़ कम्पेयर टू अदर केबल्स। ये केबल लाइट वेट होता है, और अगर तुम्हें इस केबल को इंस्टॉल करना है तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी आसान होता है। इस केबल के बारे में तुम्हें और दो तीन चीज़ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो इस केबल के अंदर दो कंडक्टर्स होते हैं, और ये जो दो कंडक्टर्स होते हैं नॉर्मली ये कॉपर के बने हुए होते हैं, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। और इन दोनों कंडक्टर्स के आजू बाजू प्लास्टिक का इंसुलेशन टाई किया जाता है। अब ये जो दो कंडक्टर्स होते हैं वो एक ट्विस्टेड ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्टेड ऑर्डर में क्यों अरेंज किए जाते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि जितने ज़्यादा ट्विस्ट्स होंगे उतना कम नॉइज़ होगा इनके अंदर, इसीलिए ट्विस्टेड ऑर्डर में इन कंडक्टर्स को अरेंज किया जाता है, जैसे कि अगेन तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। इन दोनों कंडक्टर्स में से, या तुम ये भी कह सकते हो कि इन दोनों वायर्स में से एक वायर सिग्नल को रिसीवर तक लेके जाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो दूसरा वायर है उसको ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसके दो टाइप्स होता है, एक होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या होता है। अब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में तुम्हें टोटल चार चीज़ समझने की ज़रूरत है। पहले तुम्हें ये समझना है कि ये और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस है, वो क्या मैं तुम लोग को इन चार पॉइंट्स में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर भी एज कंडक्टर कॉपर को ही यूज़ किया जाता है नॉर्मली। दूसरा पॉइंट, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो कॉपर को यूज़ किया जाता है एज कंडक्टर, उस कॉपर के आजू बाजू प्लास्टिक का ही इंसुलेशन यूज़ किया जाता है, उस प्लास्टिक का कलर चेंज हो सकता है, अगेन बिल्कुल उस तरीके से। तीसरा पॉइंट, हर एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर या तो दो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकता है या तो चार ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकते हैं। तुम्हें ये समझना है कि ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया। मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम लोग को ये बोल रहा हूँ कि हर एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर या तो दो ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है या तो चार ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकते हैं। अगर एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर दो ट्विस्टेड पेयर केबल्स है तो उस केस में उस अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को हम RJ11 कनेक्टर के लिए यूज़ करेंगे। अगर एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर चार ट्विस्टेड पेयर केबल्स है तो उस केस में उस अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को हम RJ45 कनेक्टर के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारे चार पॉइंट्स ख़त्म हो गए। अब हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला एडवांटेज, इजी टू इंस्टॉल। सेकंड इज, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। थर्ड इज, चीप है, मतलब बेसिकली इजी ऑन पॉकेट, ज़्यादा महंगा नहीं है बेसिकली। एंड डिसएडवांटेज, फर्स्ट इज बैंडविड्थ इतना नहीं है, एंड सेकेंड इज लेस प्रोटेक्शन। तुम्हें तो पता है कि प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी इशूज, राइट। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं, मतलब बेसिकली अब हम ये समझते हैं कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि इसको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहा ही क्यों जाता है। इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें भी कॉपर यूज़ किया जाता है, इसमें भी कॉपर के आजू बाजू प्लास्टिक का इंसुलेशन यूज़ किया जाता है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अभी ये एक पेयर निकल रहा है उस जैकेट से बाहर। इन द सेम वे व्हेन इट कम्स टू शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यहाँ पे जैकेट से बाहर नॉर्मल चार ऐसे पेयर्स निकलते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ मेजर डिफरेंस। द मेजर डिफरेंस इज कि चार पेयर्स तो बाहर निकलते हैं, बट उन चारों के चारों पेयर्स को अगर हमने देखा ध्यान से तो उन चारों के चारों पेयर्स के आजू बाजू, मतलब बेसिकली हर एक पेयर के आजू बाजू या तो ब्रेडेड मैश का कोटिंग होगा या तो मेटल फॉइल का कोटिंग होगा, दोनों में से एक। एंड दैट मेक्स शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल डिफरेंट फ्रॉम दिस और दिस।
ठीक है। अब इसके बारे में तुम्हें और दो पॉइंट्स जानने हैं। सबसे पहला पॉइंट, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज मोर फास्ट देन कोएक्सियल केबल। दूसरा पॉइंट, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज थोड़ा सा कॉस्टली एज कंपेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। ठीक है, अब इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, थोड़ा सा रफ हो गया, कर लेंगे सही। पहले एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज, इजी टू इंस्टॉल। सेकंड, इल्यूमिनेट्स क्रॉस टॉक्स। अब क्रॉस टॉक्स का मतलब क्या होता है, क्रॉस टॉक इज बेसिकली अ टाइप ऑफ नॉइस। ठीक है। थर्ड एडवांटेजेस, कुड बी यूज फॉर एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस के अंदर दो डिसएडवांटेजेस है, पहला तो हैवी है, दूसरा इज हार्ड टू प्रोड्यूस, मतलब बेसिकली इसका मैन्युफैक्चरिंग काफी डिफिकल्ट है। ये बेसिकली वो डिसएडवांटेज कहना चाह रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कोएक्सियल केबल क्या होता है वो देखते हैं। अब कोएक्सियल केबल के अंदर सबसे पहले तुम्हें तीन से चार चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज, कोएक्सियल केबल को कोएक्सियल केबल क्यों कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि क्योंकि कोएक्सियल केबल के अंदर दो कंडक्टर्स होते हैं जो पैरेलल होता है, इसीलिए कोएक्सियल केबल को कोएक्सियल केबल कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये आउटर कंडक्टर होता है, और ये जो लाइक ये अजीब सा शेप है, बट बेसिकली जो भी है ये इनर कंडक्टर होता है। और अगर तुमने इन दोनों को ध्यान से देखा तो ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए इसको कोएक्सियल केबल कहा जाता है। अब ये जो इनर कंडक्टर है ये कॉपर का हो सकता है, और ये जो आउटर कंडक्टर है ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक कॉपर मैश होता है। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये इंसुलेटर्स होता है, मतलब ये और ये वाइट जो दिखाई दे रहा है, जो इन दो ब्लैक को सराउंड करके रखे हैं, तो ये इंसुलेटर्स होता है। और ये बेसिकली जो मटेरियल है ये प्लास्टिक का बना होता है, बेसिकली ये कवर होता है। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये नॉर्मली कॉपर की होती है, आई थिंक मैंने तुम लोग को बताया, बट व्हाटएवर। और अब तुम्हें और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो आउटर लेयर है जो कि मैंने तुम लोग को बोला कि प्लास्टिक का बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पूरे के पूरे वायर को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये जो कोएक्सियल केबल है इसके दो टाइप्स होता है, एक होता है बेस बैंड और दूसरा होता है ब्रॉड बैंड। ये जो बेस बैंड है वो नॉर्मली डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो ब्रॉडबैंड है वो एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं कोएक्सियल केबल के। एडवांटेजेस, हाई बैंडविड्थ ज़्यादा होता है। सेकेंड इज डिस्टॉर्शन लेस डेटा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के टाइम पे ज़्यादा डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड इज हाई नॉइज इम्यूनिटी, इट इज़ वेरी इम्यून टू नॉइज दिस केबल। नाउ डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट, अगर तुम्हें इसको इंस्टॉल करना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेकंड इज एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव का मतलब, अगर तुमने कोएक्सियल केबल को ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ कंपेयर किया तो कोएक्सियल केबल इज मोर ऑन अ एक्सपेंसिव साइड। ठीक है, अब हम हमारे अगले केबल के ऊपर जंप करते हैं, विच इज फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर जंप करने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड भाषा में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू फाइबर ऑप्टिक केबल, तुम्हें सबसे पहले तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, फाइबर ऑप्टिक केबल यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन, मतलब ये केबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। दूसरी चीज, प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हीट एंड कोल्ड वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब ये जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है इसके अंदर ये जो प्लास्टिक कोटिंग है, ये प्लास्टिक कोटिंग इस फाइबर ऑप्टिक केबल को हीट कोल्ड वगैरह 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 अन्य बाकी की सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। तीसरी चीज, फास्टर डेटा ट्रांसमिशन दैन कॉपर वायर। हमने अभी अभी देखा कि इन दोनों में कॉपर पेयर कॉपर वायर यूज़ होती है, तो अगर उनसे और इसको कंपेयर किया जाए, मतलब उनको और इसको कंपेयर किया जाए, तो इसमें ज़्यादा फास्टर डेटा ट्रांसमिशन होता है। चौथी चीज़, इस चीज़ के अंदर बेसिकली इस वायर के जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं उन बाकी के कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोर का मतलब क्या होता है। अब ये जो कोर है इसको तुम एक तरीके से एक लाइट ट्रांसमिशन एरिया कंसिडर कर सकते हो। कोर का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लाइट उसमें से ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि क्लैडिंग का मतलब क्या होता है।
अब ये जो हमारा कोर है, इस कोर को जो आजू बाजू लेयर सराउंड कर रही है, इसको हम कहते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग की मदद से ही कोर के अंदर जो लाइट वेव्स पास होती है, वो लाइट वेव्स इजीली रिफ्लेक्ट कर सकती है और आगे बढ़ सकती है, जैसे कि तुम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो। अब हम ये समझते हैं कि जैकेट का मतलब क्या होता है। अब जो हमारा जैकेट है वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है और इसका मेन पर्पस पूरे के पूरे वायर को प्रोटेक्ट करना होता है ऑब्वियसली। अब ये जो तीन कंपोनेंट्स मैंने तुम लोग को बताया, ये तीन कंपोनेंट्स मेन कंपोनेंट्स है फाइबर ऑप्टिक केबल के। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। वैसे तो इन सारे के सारे केबल्स के बारे में मैं तुम लोग को दुनिया भर की चीज़ें बता सकता हूँ, बट एग्जाम में अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आया इस टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए जितने समय के अंदर तुम्हें आंसर लिखने की ज़रूरत है, क्या उतने समय के अंदर तुम वो दुनिया भर की बातें लिख पाओगे? एंड द आंसर इज़ नो। इसीलिए जितनी भी ये सारी की सारी चीज़ें मैं तुम लोग को बता रहा हूँ एग्ज़ाम में लिखने के लिए, कि क्या फिजिबल होगा, क्या इजी होगा, क्या लिखने से तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे और तुम्हारे दिमाग को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम लोग को ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, एक टेलराइज्ड वे में। तो वैसे इस लेक्चर को देखना। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला एडवांटेजेस, बैंडविड्थ हाई है। दूसरा एडवांटेज, लाइट वेट है। और अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसको इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट है। एंड थर्ड डिसएडवांटेजेस, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है हमेशा। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा। थैंक्स सो मच।